आज अदीब साहब कह रहे हैं कि इनके फ्रेंड में कहीं गेट टुगेदर उसकी दावत में जाना, रेडी हो जाना था। तुम्हारी हम क्यों तैयार हूँ? लेकिन शुरू एकदम से ये हुआ है, करीब ने मुझे उठते साहब बोला है, भाई इकराम मुझे जाना है एक मीटिंग पे और तुम्हें मैं मामा की तरफ ड्रॉप कर देता हूँ, फिर जब मैं वहां से फ्री हो जाऊंगा फिर तुम्हें वहां से पिक कर लूंगा। तो खैर मैंने कहा यार नाश्ता वाश्ता मैंने कर लिया है, नीचे भाभी लोग भी शायद जा रहे हैं धान की नानों की तरफ, तो वो भी यही सोचते तो घर में अकेली मैं क्या करूंगी। मैं ऐसे ही उठी हूँ, मैंने कहा चलो जी चलते हैं अपने घर निकलते हैं, तो बस अब मैं अपना बैग शैग पकड़ लूं। आप लोगों ने अगर उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अरीफ साहब जो है वो नीचे गाड़ी पे वेट कर रहे हैं मेरा, बस निकलते हैं यहाँ से सीधा एंड वहां पहुंचते हैं। अब हम लोग निकलने लगे हैं यहाँ से सुबह सुबह। आज आपने जी उठ के कह रहे हो जाओ मीटिंग पे जाना है, मैंने तुमने मैंने कहा था घर पे अकेली क्या करोगी, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। कुछ भी नहीं करती, बोर हो जाती, सही है वहाँ चलती हूँ जाके वहाँ बातें शाते करूँगी। अचानक से मुझे कहते हैं मैं जा रहा हूँ, तो घर पे नीचे कोई था ही ना, भाभी ना भाई ना बिल्ली, उन लोगों ने भी चले जाने, तो मैंने क्या कहना था तुम्हें, अकेला ही छोड़ दिया, अकेला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मेरे दिल को कुछ होता है, मैं अपनी बेगम को अकेला नहीं छोड़ सकता। ठीक है सर आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ, बस अभी गाइस सीधा पहुंचते हैं उधर। मैं इस उतादी नींद में जाके मैं ना सो जाऊंगी, मुझे नींद आ रही है बहुत ज्यादा। लेट्स गो। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ मामा की तरफ और आप टाइम से रखिए अपना, फिर मैं आता हूँ दो तीन घंटे तक, ठीक है? तो सो जाना, रेस्ट रूस करना, सबको मैं सलाम करना, मैं आके फिर मिलता हूँ, ठीक है? ठीक है। आज अदीब साहब कह रहे हैं कि किसी की इनके फ्रेंड में कहीं गेट टुगेदर है उसकी दावत में जाना, रेडी हो जाना। तो अगर मैं मुझे अभी बता रहे हैं गाड़ी में बैठ के आप हिसाब लगाएं तो मैं कहाँ से कपड़ों का, यहीं से पहन लेना ना, यहीं से पहन बून लेना, तो फिर यहीं से निकल जाएंगे, ठीक है? आपने मुझे नहीं बताया मेरे लेंसेज घर पड़े हुए हैं, तो फिर हम जाते हैं घर पे जाके लेंस, ठीक है? मैं तैयार हो जाऊंगी टाइम से, बस मुझे बता देना कि कितने बजे जाना। मैं घर पहुंच चुकी हूँ, लो जी घर तो बिल्कुल खाली सन्नाटा, ये थोड़ा खड़ी हुई है कदत लड़की। हाय अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। मैं तो सुबह सुबह उठते साथ वही हड्डी है वही खाल है, बस आपका ही इंतजार। हाय हाय, ओए अस्सलाम वालेकुम, मम्मा क्या बनी हुई है, क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या हाल तो ठीक है, मेहंदियाँ सर पे लगा के, क्या आपने क्या ये बॉक्सर बनी हुई है? मैं ना मेहंदी लगाऊं। क्या बना रही हैं आज? फेवरेट। ओ अब मम्मा को पता है गाइस, मुझे पता है आपको आलू के बाद भिंडी सबसे ज्यादा पसंद है, मेरी अम्मा भिंडी झिंडी बनाने लगी हैं और एक मेरी बहन बेचारी यहाँ पे प्रोमैक्स शेफ बनी हुई है, मैं बस यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए आई हूँ। करीब ने मुझे बताया कि शाम को उसकी दोस्त की तरफ कोई दावत शावत है तो वहाँ पे जाना है, तो उसके लिए मुझे होना तैयार। तब तक नजदीकी करें गाइस, सुकून रहता है जिंदगी में। सब लड़कियों ने कहना हमारी शादी ना करें। मैं तो अपने माँ बाप के घर में बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं भी बहुत खुश थी। माय ब्लेसिंग एंड आई लव यू पेरेंट्स। आई लव यू, आई आल्सो लव यू पेरेंट्स। लेकिन ये चीज ऐसी होती है शादी जो मेरे ख्याल से करना भी जरूरी होती है। खैर अभी जो है वो बस वेट करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, अभी थोड़ा रेस्ट करती हूँ और उसके बाद जो है वो कपड़े शपड़े निकालूंगी, अचानक से जो अरीब ने बताया उस लिहाज से रेडी होंगी, तो फिर रेडी होते हैं, फिर देखते हैं कब तक आते हैं, अभी तक तो कोई नामो निशान नहीं है। A few moments later. मैंने थोड़ी देर नींद सींद पूरी कर ली थी, सो गई थी, मौसम बाहर बड़ा प्यारा हो गया और एक और लड़की यहाँ पे आ चुकी है, क्या हाल है, ठीक हो? यार मैंने एक दावत पार्टी पे जाना है, एक गैदरिंग है अरीब के फ्रेंड की तरफ, जाओ तुमने कौन सा मुझे साथ लेके जाना है? तुम्हें नहीं लेके जाना, लेकिन मैं मुझे यार कोई कपड़े अरेंज कर दो, कोई अच्छी सी लुक बना दो यार, मुझे तैयार कर दो। किस टाइप की दावत है, मैं फिर उसके लिहाज से कपड़े बता। यार मैंने ना अभी अरीब से पूछा मैसेज करके कि किस तरह की दावत है, मुझे थोड़ा सा तो गाइड करे, मुझे वेस्टर्न पहनना है, पैंट शर्ट पहनू, क्या पहनू, क्या रेड कलर का कुछ भी पहन लो, घर पे पहनूंगा रेड कलर। क्या आइडिया दिया फातिमा, बस मैं तैयार होने लगी हूँ, देखते हैं हिरा फैसल मुझे कौन सी लुक आज देती है। आई हैव दिस फ्रॉक। ओह ये नाइस, दिस इज वेरी प्रिटी यार। हाँ और ये वो फेवरेट है, मैंने एक दफा भी नहीं अभी पहनी। ओके लेकिन बस फिर ये मैं थैंक यू कुर्बानी दे रही हूँ। मैं होने लगी हूँ तैयार गाइस, लेट्स गो। टाटा।
चले जी मैं हो चुकी हूँ तैयार, आप लोग देख सकते हैं मुझे तो अपना बहुत मजे का लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं सही तैयार हुई हूँ। आज मैंने बाल बंद किए हैं, ये गोल्डन हुप्स पहने हैं और एक बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो रेड मैक्सी पहनी है रीब साहब की फरमाइश पे। अब बस वेट कर रही हूँ कि वो मुझे लेने के लिए आएंगे, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। अभी मैंने कॉल की थी तो ही सेड के आई एम ऑन माय वे, तो जल्दी से रेडी हो जाओ। मैंने कहा मैं रेडी हूँ, तो बस अब देखो कब आते हैं कब नहीं, लेट्स सी, वेटिंग फॉर हिम। एक और सीन हो गया, रीब साहब की कॉल आई है कि भाई तुम रेडी हो? मैंने कहा जी। तो ही सेड के घर पे कौन कौन है? मैंने कहा सभी हैं, एक सोरी है मोहतरमा राबिया, एक जैनब है, ममा है, हीरा अभी किसी काम से बाहर निकली है। तो जो भी कह रहे हैं घर पे है ना, सबको को हल्का फुल्का तैयार हो जाए यार, खाना बंद करते हैं तैयार हो जाए। वो कह रहे हैं मैं क्या बोलूं, मैंने बोला मैं तुम्हारी, हम क्यों तैयार हूँ मम्मा यार, हो जाए। वो कह रहे हैं कि तैयार हो जाए, कहीं और लेके जाना है एक घंटे के लिए। कहाँ ये मुझे खुद नहीं पता कहाँ, मैंने भी पूछा मैसेज पे जवाब नहीं आया, रिप्लाई नहीं सेट की। मैं ना जल्दी में हूँ तो सबको तैयार कर लो, मुझे सिर्फ एक घंटे के लिए सब चाहिए। मैंने कहा ओके अब हो जाए रेडी। हाँ हो जाए मम्मा, अगर वो आ गए ना जल्दी तो फिर आपको वो हो जानी है, जल्दी हो जानी है, क्योंकि आगे हम लोगों ने उनकी तरफ भी जाना है ना, रीब के फ्रेंड की तरफ, तो वो फिर लेट ना हो जाए। गाइस अब मैं इन सबको करती हूँ तैयार, पता नहीं क्या इतनी है, मुझे समझ नहीं आ रही है आज अरीब इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं। मतलब तुम भी रेडी हो जाओ, हो गई हो घर पर रेडी कर लो, मैंने पूछा कहाँ जाना नहीं समझ आ रही, बट हमारा व्लॉग चल रहा है, हम देखते जाएंगे आगे। 2000 years later. Finally, कोई 500 घंटे वेट करने के बाद एक लड़का, कहाँ से नमूदार हुए आप? मैं आ गया हूँ लेने आपको, चलो चले, तूफान आ गया बीच में है। क्या प्यारे बड़ी वह तो आपने मेरे साथ है? अब मेरी मैंने भी अपनी फुल लुक नहीं दिखाई है, क्या ही लग रही है? आप दिखाए मेरी फुल लुक दिखाए। वाह भाई वाह, जैनब ने मुझे स्पेशली बोला था कि समथिंग रेड पहन किया ना, तो मैंने नहीं बोला था, कैसी रेड मेरे पर ड्रेस पड़ा, मैंने कहा रेड पहन लो फिर। हाँ झूठ कितने बोल रहे हैं आप, चलाओ चले अभी जरा काफी लेट हो गए हम, लेट्स गो। ओए 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 अदाएं अदाएं अदाएं, क्या किया अदाएं? इन्होंने कुछ किया अदाएं, कुछ किया ना, लगा क्या बैंक्स कार्ड के हैं ये? ओए अदाएं, ये देखो क्या ही लग रहा है, खुद ही बैंक्स गाइस, जवान जवान लग रही है। हम छोटे छोटे थे तब भी हमारे बैंक्स काटते थे, मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी। चलो गाइस निकले, वहाँ पे सारे मेरे दोस्त वगैरह वेट कर रहे हैं, आओ तो निकले, सबने उधर ही जाना है। हाँ जी सबने उधर जाना है। अभी है ये लड़का के बहुत तेज फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बदलता, ऊंची आवाज में कह रहे चलो यार चलो चलो यार चलो, जैसे मैंने कैमरा ऑन किया। सोमो तो देखे ग्लासेस लगा के वो है, अद्धी रात को केड़ा, इसको किसी जरूरी काम से सोना है। करीब की भरपूर कोशिश के बाद हम लोग जो है ना वो घर से निकल गए, चार बछिंदियाँ निकली है, सब लोग आ चुके हैं सिवाय हीरा के। क्या हुआ आ रही है? ओके एक चीज मिस हो रही है ना, इसलिए जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। क्या मिस हो रहा है? वेट कर रहे हैं, इनका खाना बंद हो रहा है, पता लगे जाके हम लोगों ने सिर्फ बर्तन धोने। यार हमारे हर इवेंट पे तमाशा होता है कि हम लोग लेट हो जाते हैं हर इवेंट पे, और हमें लड़कियों का कसूर नहीं है आज, सिर्फ और सिर्फ इनका कसूर है, इन्होंने हमें इमरजेंसी में बताया। हाँ जी आप लोग देख सकते हैं मेरी आंखों में लेंस नहीं है, क्योंकि लेंस मेरे घर आ गए थे, और रीब साहब जो अभी सीधा शूज भी लेती है ना वाइट तुम्हारे लिए, मैं घर चप्पल वाली तो आ जाओ, मिल लो काके से मिल लो फिर चले जाना। चलो आ जाओ फिर, चले जी गाइस सब लोग। क्या है चलो ना अब अंदर भी तो चलो, चलो अंदर भी तो चलो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, या अल्लाह, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। बट अरीब आप मुझे इन सब के लिए यहाँ से गायब करके अरीब हमें कहीं और नहीं जाना, हमने कहीं और तो चलो। Oh my God! मैंने कोशिश की कि हम काउंटडाउन कर लेंगे लैपटॉप पे। अरे बिल्ली मेरा लैपटॉप फोल्ड कर रहा है यार, 4 million, 4 million, happy 4 million, happy 4 million, oh my God, so strong.
एस्ट्रोलॉजी का। हमने डेकोर यहाँ नहीं किया था, हमने ऊपर किया था छत पे, उड़ गया होगा हवा की वजह से। ओह माय गॉड, सर पे रोड लगा ये वाला। अरे वो अपने व्लॉग नहीं बनाया, दोबारा से हम फिर इसको नीचे लेके आए हैं, फिर से इसलिए लेट हो गए। वो कितना प्यारा लग रहा था कि रोड से कितनी अच्छी लाइट आ रही है यार, कभी आधी लाइट चल क्यों नहीं रही। ओह माय गॉड, जरीफ साहब ने तो प्रो मैक्स सरप्राइज दिया, प्रो मैक्स ब्लॉगर को थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट। लेकिन जितना मुश्किल से सरप्राइज दिया ना, जो हुआ मेरे साथ आंधी तूफान ने हमारा सारा सेटअप खराब कर दिया, लेकिन एट द एंड हमने कुछ ना कुछ कर ही लिया। लेकिन जरीफ ट्रस्ट मी, सब बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी ने तो पता नहीं कहाँ जाना था, भाभी ने भी झूठ बोला मेरे से, ड्रामे बाजियां, बिल्ली समेत बिल्ली तैयार हुई भी प्रॉपर सब यहाँ पे यार। ठीक है, बहुत अच्छा सरप्राइज लगा, मुझे बहुत मजा आया। और यहाँ पे प्रॉपर जो है ना, वो हमारी 4 मिलियन सेलिब्रेशन में खाने शाने का भी अभी और भी सरप्राइज है, अभी वो बाद में करेंगे, पहले खाना खाते हैं फिर इंशाल्लाह केक काटते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। पहले खाना शाना खाते हैं, बाद में केक कटिंग सेरेमनी करेंगे। तो अभी हम फिलहाल बैठे हैं, हमने खाना खा लिया था। और ये देखिए रीवा, आपने मेरी बहनों की वो देखी है चलाकी, ये इन्होंने की है, ये देखे सारे चॉकलेट इन्होंने की है। अरे ये बाप भी वही कर, आप कर सकते हैं, यू अरेंज्ड एवरीथिंग सो परफेक्टली। जल्दी कर लो, आए सुकड़े 4 को 6 किसने कर दिया, ये बिल्ली ने, बिल्ली ने इसको पटाई की है अच्छी खासी, इसको सेट कर ले। आ जाए जी मम्मा वगैरह सब, अभी मम्मा ऊपर से नहीं, अभी केक तो कटिंग करने दे, अभी केक कटिंग सब नहीं होगी। चलो गर्ल्स, इनका अपना फोटो शूट चल रहा है, हमारी लाइट यहाँ पे परफेक्ट है। जैनब और ये बिल्ली दोनों मिले हुए हैं, पता नहीं क्या इससे पूछकर स्टोरी लगाई है मैंने, जोहान ने कहा ना तो मैंने स्टोरी वो लगाई है। अच्छा, जोहान से अप्रूवल ले रही है कि ये स्टोरी लगाऊं या ये स्टोरी ना लगाऊं। वाओ, चलो गाइस आ जाओ, केक कटिंग करें यार, अब वो सब वो बिल्ली के ध्यान लग गया मेरे, केक मैं तो हो गया, सिर्फ ये रेड निकल जाना, सिर्फ ये रहना है। हाँ, वो आधी चॉकलेट्स खाई भी गई है। आ जाओ गाइस, आ जाओ, सारी एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे मौजूद है। जब ये चैनल स्टार्ट किया था, 10K हुए, फिर 100K हुए, 500K हुए, फिर हमारा 1 मिलियन हुआ, फिर हमारा गोल्डन सिल्वर बटन आया। फर्स्ट मिलियन मैं लोगों को बता रहा था, इकरार हुई भी बहुत थी। हाँ। और कह रही थी कि मेरी ख्वाहिश है मैं 10 मिलियन पे, 4 मिलियन हो गए हैं। हाँ। हाँ? अरे मेरी लाइफ में 1 मिलियन के बाद आए थे, वही बता रही हूँ यार। ये क्या मम्मा, मम्मा रोस्टर, मैं इनकी लाइफ में आया था 1.5 मिलियन में। यार ये तो मम्मा गलत बात है, अरे मेरी लाइफ में 100K पे आए। हमारी चाय शाय आ चुकी है, अब जो है वो क्या, इसको तो देखिए कैसे देख रहा है, ये देख रहा है कि वो कर क्या रही है, पूरी मैचिंग की वेस्ट, वो क्या वो देखो, अरे इसने सबके साथ मैचिंग की, व्हाट हैपेंड, किसने चीज है चाचू। मैंने अपनी बहनों को इकट्ठा कर लिया है, अपनी ड्रीम शो से पारी होकर यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। और अपनी केक जो है वो केक कटिंग सेरेमनी से पहले ही बेचारा आधी आज पे हल्की आज पे हो चुका है, और हमारे कंप्लीट हो चुके हैं फाइनली 4 मिलियन। और ये एस्ट्रोलॉजी जब स्टार्ट हुआ था तो स्टार्ट एक हुआ था, लेकिन इतने इसकी ब्रांचेस कितनी, इसकी बहुत फ्रेंचाइज थी भाई, सारी ओरिजिनल मिस्ट्री का टीचर पूछ रहे ब्रांचेस कितनी होगी। बट गाइस, आप लोगों ने जिस तरह से हमें प्यार दिया, जिस तरह से आपने हम सबके चैनल्स को सपोर्ट किया, इकरा कवल, एस्ट्रोलॉजी, यरी परवेज, जैना फैसल, राबे फैसल, हीरा फैसल, अम्मी रह गई उनके हिस्से से, कमिया फैसल, फातिमा फैसल, मैंने गिन लिया 6 ब्रांचेस हो गई है। तो सेवन इनकी भी तो है, तो 7 हुई ना टोटल, यहाँ पे नई लड़ाई शुरू हो गई है। यार कमेंट में आप लोग बताएं हमारी चैनल की कितनी ब्रांचेस। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, जितना आप लोग हमें प्यार देते हैं, जिस तरह से आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, जिस तरह से आप हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारे दुख में दुखी और खुशियों में खुश होते हैं, हम लोग भी आपको बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड हेट, थैंक यू सो मच। बाकी मैं भी तो अब हम फाइनली अपना 4 मिलियन फैमिली का केक कट करने लगे हैं। 1, 2, 3 इंशाल्लाह। और गाइस 10 मिलियन मेरा ड्रीम है, 1 मिलियन में मैं रो रही थी, मैं चाहती थी कि 10 मिलियन हो और जल्दी से जल्दी मैं डाय
डायमंड बटन में बेहोश हो गया। 1 मिलियन पे रोई थी, 10 में बेहोश हो गई। अभी 50 मिलियन में मर जाएगी। अल्लाह माफ करे। जान जा के 50 मिलियन में वैसे ही मेरी उम्र नहीं रहेगी। नहीं क्यों नहीं रहेगी, जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। जल्दी होगा होगा गाइस, कर दे प्लीज। अरे आप तो रेडी हो मानो, ये जो मीठा नहीं ना खाती मैं, ऐसे मुझे लगा जैसे मैंने इसे लेसन पूछ लिया। अब हमारी चाय पार्टी होने लगी और अब हम चाय पीने लगे, आप हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये देखें जी, बा मलाइजा होशियार, अरीफ परवेज, एक्टर प्रो मैक्स इज कमिंग विद द बिग बैंग। करेंगे एक्टिंग नहीं, अरीफ एक्टर को क्यों दे देना। उसको वक्री टांगे लग गई है ना। वो बड़ी अभी बचत हुई है, शुक्र है। कितना मजा आया। अब दोबारा इसके ऊपर नहीं बैठेंगे। चलो जी गाइस, पूरी सिस्ट्रोलॉजी आई हुई है, हमको एक नई चीज दिखाते हैं। ठीक है, इकरा ने सिखाई है अपने काके को। इसकी तरफ कैमरा रखना, देखना कैसे एक्टिव होगा काका। ठीक है ठीक है, अभी नहीं हो रहा कुछ उसको। चलें जी गाइस, थैंक यू सो मच। हमें आज का दिन यहाँ पे बहुत 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 अच्छा जो है वो सेलिब्रेट करने को मिला। अरीफ साहब ने बहुत अच्छी एफर्ट्स की हुई थी, तो अरीफ सारी सेलिब्रेशन हो गई है, हमें दूसरा सरप्राइज भी आज दे दे आप। लाओ अभी आओ दिखाऊंगा तुम्हें दूसरा सरप्राइज। दूसरा सरप्राइज देखने जा रहे हैं हम। चलिए जी गाइस, हम जाते हैं दूसरा सरप्राइज देखने, लेकिन अगले व्लॉग में। अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी सेलिब्रेशन बड़े चलाको। अगले व्लॉग में पता लगेगा कि अरीब मुझे दूसरा समय, लेकिन वो शूट मैं अभी करूंगी, मैं अभी जा रही हूँ देखने के लिए। ठीक है जी, तो सब्सक्राइब कर दे ताकि फटाफट 10 मिलियन भी हो जाए हमारे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया 4 मिलियन सेलिब्रेट करके। मुझे बहुत 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 मजा आया। तो अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मुलाकात होती है कल नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। क्या हंस रही हो तुम? हंसना मजा है, हंस रही हूँ दोबारा से। चलो ये क्या कर रहे हैं, 3, 2, 1 मेरे ब्लॉग के लिए। ये चेक करना, चले चलो स्टार्ट। हाँ।